I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. मेरे भाईजान से क्या बातें हो रही थी? अच्छा, तो इतने बड़े शहर में सिर्फ तेरे भाईजान ही रह गए हैं? क्यों? क्या खराबी है मेरे भैया में? तू एक ही अच्छाई बता दे। चल हट। हजारों में नहीं, लाखों में एक है मेरा भाई। देख, इस आन-बान वाला है कोई दूसरा सारे शहर में? ये बात तो मैं तेरी मानती हूँ। क्या नाप तोल के बनाया है बनाने वाले, लेकिन सीरत शैतान से भी दो गज आगे है। देख शमा, तेरा भाई है इसलिए हमदर्दी से कह रही हूँ, अपने भैया को समझा दे कि सुधर जाए, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे। समझी? सुना आपने? हाँ सुना, मुंह फिरे तो खड़े हैं। चल चल। अब मेरी सुन, ट्रेन में एक लोफर शायर मिल गया, कमबख्त ने आईने में कहीं मेरी शक्ल देख ली। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था, ठंडी सांस भर के बोला, सुभान अल्लाह। तूने जवाब में क्या कहा? चल हट, मैं क्यों जवाब देती, मैंने अपना मुंह ढक लिया। धत तेरी की सल्तनत, तूने तो सारा मजा ही किया। बात बढ़ती तो बातें होती, फिर मुलाकातें होती। अपने रुख पर निगाह करने दो, खूबसूरत गुनाह करने दो। हाय, बंद क्यों कर दिया? कितना अच्छा शेर था। शेर? शेर तो शेर, ये तो भेड़ भी नहीं। गीता तुम कैसे हो? अच्छी हूँ, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर मिलूंगी, तुम मेरे घर आना। आऊंगी, लेकिन ये तो बताती जाओ फिर क्या हुआ? आज नहीं मेरे बन्नो, कभी घर आना फिर सुनाऊंगी। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ा। क्यों, क्या मैं अकेले जाने से डरती हूँ? डरने की बात ही नहीं, भाईजान तो टेनिस खेलने गए हुए। क्या? चलो आओ बैठो। आप शमा के भाई हैं इसलिए कह रही हूँ, सुधर जाइए वरना जिंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। अपनी भाभी को नहीं, तेरी भाभी को देख रहा हूँ। मेरी भाभी? हाँ। हट तो। अरे क्या बात, चप्पल किधर देखा? अरे नहीं बे, वहां मेरी भाभी के साथ साथ तेरी भाभी भी है। देख मेरी भाभी, फिर से देखना पड़ेगा। अरे हाँ। अच्छा बेटे अख्तर, रोमियो से अपनी लाज बचाने के लिए हमने ये लाज बचाओ कमेटी बनाई है। आज हम सब ये सोचने के लिए जमा हुए हैं कि किन किन तरीकों से इन बाजारी आशिकों से मुकाबला किया जाए। बस कान खोल के सुन लो, अगर ये लोग हमें रास्ते में छेड़े तो हमें उसी जगह अपनी चप्पल से उनकी खबर लेनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं।
ये रोमियो इस तरह ठीक नहीं होंगे। अगर कोई लड़का पीछे आए, इशारा करे, गाना गाए या सीटी बजाए तो जवाब में अदा दिखाते हुए इस तरह मुस्कुराओ। लेकिन माँ, इस तरह तो वो और भी पीछे पड़ेगा। यही तो मैं चाहती हूँ कि वो पीछा करे। इस तरह तुम आगे आगे और वो पीछे पीछे, बस सीधे लाज बचाओ कमेटी में ले आओ और फिर तुम सब मिलकर उसकी मरम्मत करो। मेरा मतलब है पिटाई, और वो भी जूतों से। आ रही है वो, है ना, कि जब चींटी की आती है मौत तो निकल आते हैं पर, और जब आदमी की आती है शामत तो जाता है लड़की के घर। कहीं वो सिलसिला तो नहीं है ना? क्यों शर्मिंदा करते हैं आप, लिख दिया। थैंक यू। कहिए आपकी क्या खातिर करूं? क्या कहा, खातिर? जी हाँ, खातिर। आप पहली बार हमारे घर आए हैं, खातिर तो होनी चाहिए। और फिर खातिर भी ऐसी वैसी नहीं। अच्छा, कोई स्पेशल खातिर है क्या? जी हाँ, ऐसी खातिर करना चाहती हूँ जिसे आप इस जन्म में भी याद रखें और आने वाले जन्म में भी। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन क्या है कि आप खातिर पे इतना जोर दे रहे हैं कि खतरे की घंटी बजने लगी। कैसी बातें करते हैं आप, ये तो मेरा फर्ज है कि घर आए हुए मेहमान की खातिर करूं। फिर खातिर? देखिए, मैं दिखने में तैयार जरूर हूँ लेकिन मिजाज से बहुत ही नाजुक हूँ। बहुत जल्द धड़कता है, फड़कता है ये दिले कमजोर, जिसे हम शायर लोग दिले नाकतवां कहते हैं। अच्छा, तो आप शायर भी हैं? जी हाँ, इस शायर खस्ता को यानी बर्दस्ता को हजरत प्यारे लाल पेडर कहते हैं, लेकिन आप सिर्फ प्यारे कह सकती हैं, आई मीन डार्लिंग। सुनाइए कोई अपना शेर सुनाइए। तो बिल्कुल, अर्ज करता हूँ कि इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश बेडर, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश बेडर, जो लगाए तो लगे पर बुझाए ना बने। बहुत अदावर्द है। लेकिन ये शेर तो गालिब का है। किसका? गालिब। ये कौन सा? हजरत गालिब दहलवी। मशायरे में आते जाते हैं क्या, कहीं टकराव तो हुआ ही नहीं? आपकी खातिर की तैयारियां हो रही हैं। तो गुफ्तगू कर, खातिर शुरू। फिर आइए। चलिए। ये खातिर? घबराइए नहीं, आपको ये पसंद नहीं तो ये खाइए। आइए बेडर साहब, आइए। आप आदमी हैं या जानवर? आपकी क्या राय है? मुझे तो आप किसी धोबी के बदशक्ल गधे मालूम होते हैं। अरे वाह, अपनी बिरादरी वाले को क्या पहचाना है आपने मिला हुआ? मैं कब से राह देख रहा हूँ और आप आदत से मजबूर कहीं घास चल रहे हो। घास नहीं, शक्ल देखकर पहचान लो, बड़ी शानदार दावत खा के आ रहा हूँ। शानदार दावत? क्या किसी की बारात में गए थे बेटे? जी चची जान, और इतना खाया है कि दो चार महीने संभलना मुश्किल है। मैं भी तो सुनूं क्या क्या खाया। बूट पुलाव से खातिर की चची जान, बूट पुलाव से। अख्तर मियां समझे आप, बूट पुलाव, बी ओ ओ टी, बूट। समझ गया, अम्मी जान इसको बूट पुलाव बहुत पसंद है। दो चार प्लेट तो खा ही गया होगा। दो चार प्लेट?
हमारा दो चार दर्जन खा गया। बेटे हाजमे का ख्याल रखा करो, सेहत खराब हो जाएगी। समझे? जी समझ गया। ख्याल तो बड़ा किया चाची जान, लेकिन सामने वाली पार्टी खातिर पे तुली हुई थी। वो खातिर की कि मेरा इनकार बेकार हो गया। बस वो खिलाते रहे और मैं खाता रहा, उसी पे छुट्टी हो गई। क्या नाप तोल के बनाया है बनाने वाला, लेकिन सीरत शैतान से भी दो गज आते हैं। मैं आऊँ ना? अमैया बेटे अपनी तो हिम्मत जवाब देती है, चले यार वापस चले। इश्क करते हो और जूते बाजी से डरते हो। अमा हमको देखो, इस प्यारे लाल को कई बार नीला बनाया गया, लेकिन कदम पीछे हटाकर आशिकों का नाम कभी बदनाम नहीं किया। मगर यार, अगर मगर कुछ नहीं, मैं वादा करता हूँ कि अगर हकीम साहब को जूतेबाजी का शौक चराया भी तो बाद आदाब के उनकी खिदमत में अपना सर पेश कर दूंगा। आ जाओ। हकीम साहब तशरीफ रखते हैं। जी हाँ। कहिए, मरीजे दर्द दिल आए हैं, दवा चाहते हैं। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी खबर करती हूँ। अरे सदर, आप जानती हैं वो मरीज बनकर कौन आया है? कौन? अरे वही बेशरम मेरा आशिक, जिसको हम लोगों ने उसे लाज बचाओ कमेटी में जूतों से पीटा था। अच्छा, तो फिर मैं भी उस गधे को देखने आती हूँ। देख, तू चाय के लिए पानी चढ़ा दे, क्योंकि अब्बा पहले मरीज की नब्ज देखते हैं, फिर उसको चाय पिलाते हैं। अरे चलना चाय का बनाओ। मियां बेडर, आप तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। जी नहीं हकीम साहब, ये दिले बेकरार बीमार उलझता है, घबराता है, फेल होने लगता है, रातों को सोते सोते हाय निकल जाती है। ओह, दरअसल नब्ज में अपनी दिखा गया और हाल अख्तर मियाँ का बयान कर गया। बीमार अख्तर मियाँ है। आइए अख्तर मियाँ, माफ कीजिए। कौन है तेरा आशिक? हाँ। चल आशिक होगा तेरा। मेरा होता तो मरीज बनकर नहीं, गवैया बनकर बाबू जी के पास गाना सीखने आता। अच्छा भी ये बता, क्या क्या जाए? आज हिम्मत यहाँ तक पहुँची है, कल गली में रास्ता रोक लेगा, फिर हम करें तो क्या करें? मेरी जान, चाय के दो घूट अंदर, इश्क का भूत बाहर। दो तोले सूखी पीसी हुई लाल मिर्च, एक तोला गरम मसाला, दो चमचा हल्दी, धनिया, काली मिर्च और नमक। चाय तैयार। चल 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 जल्दी कर लो। पीसी हुई सूखी लाल मिर्च। हकीम साहब, फिर मेरा दिल क्यों घबराता है? ना दिल घबराता है ना बीमार है, सिर्फ वहम हो गया है। गजब हो गया, वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। आप बेटे गीता, तुमने क्यों तकलीफ की? कैसे ही तकलीफ, कैसी? घर आए हुए मेहमान की खातिर करना। क्या कहा? खातिर? जी हाँ, खातिर, और वो भी ऐसी वैसी नहीं। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। चलो अख्तर, अच्छा नमस्ते, हम लोग मतलब में फिर किसी वक्त मिलेंगे। बेटर साहब, ये भी कोई बात हुई? आप चाय पिए बगैर नहीं जा सकते। लीजिए लीजिए लीजिए। ओह मालूम होता है आप शक्कर ज्यादा पीते हैं, दो चमचे शक्कर और डाल दूं? बिल्कुल नहीं, बहुत नाप तोल के चाय बनाई है, बार बार दाद देने को तबियत कर रही है। हकीम साहब, मेरे बेटे सल्तनत बहुत अच्छी चाय बनाती है। वाकई वाकई। चाचा जी, आज तो चाय मैंने भी बनाई है, आप जो पी रहे हैं वो मैंने बनाई है, और आप जो पियेंगे वो सल्तनत ने बनाई है। वाह, लीजिए, शौक फरमाइए अख्तर मियां, ऐसी चाय जिंदगी में बार बार नसीब नहीं होती। क्यों अख्तर साहब, मजा आ गया? बहुत ज्यादा। आज से ज्यादा मजेदार चाय मैंने कभी नहीं पी। हाय अल्लाह, जहर पी क्या? अगर आपको तकलीफ न हो
तो चाय के इस नुस्खे को एक कागज के टुकड़े पर लिख दीजिए। मैं हजरतगंज में चाय की दुकान खोल के बैठ जाऊंगा। अभी तक तो करंट मार रही है। सुनिए तो छोड़िए मेरा, किसी ने देख लिया तो रुसवाई हो जाएगी। छोड़िए ना। हाय अल्लाह, मेरा छल्ला। आओ बहन, आओ। चलो। चिंता न करो बहन, इस वक्त तुम लाज बचाओ कमेटी में हो, बुरखा उतारो और आराम से बैठो। इस वक्त तुम बिल्कुल अकेली हो ना? जी हाँ, बिल्कुल अकेली। तुम यू लोफर जलील कमीने नीच। खैरियत देवी जी, मैं शायर हूँ, पद्मश्री के ख्वाब देख रहा हूँ, आप न जाने किस मुल्क की खिताब दे रही है, आई मीन टाइटल। तुम बहुत ढीठ हो, बेशरम हो। मैं अभी बाबूजी को बुलाती हूँ और तुम्हें पुलिस के हवाले करवाती हूँ। बाबूजी! अरे अरे, बाबूजी को क्यों तकलीफ दे रही हो? सजा देनी है तो सर हाजिर है और जूते भी साथ लाया हूँ। ओह यू शट अप! अगर इस जूतेबाजी की जंग में ये आशिक शहीद हो जाए तो अपने इस दुपट्टे का कफन देकर अमीनाबाद के चौराहे पर मेरी समाधि बनवा देना। आपको म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेने में तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन अपना आशिकों में नाम हो जाएगा। ओह यू गेट आउट! आपको टाइट पैंट से शिकायत थी ना, ये देखिए मैंने गरारा पैंट शुरू कर दी है, 26.5 की मोरी है। अरे ज्यादा हो गई क्या? अरे हंसी तो बेटी गीता, कहाँ हो? आप शमा के भाई हैं, इसलिए कह रही हूँ, सुधर जाइए वरना जिंदगी भर तुम्हारे रह जाएंगे। आपका हुक्म सर आंखों पर। भाईजान, आप और किसी का हुक्म और वो भी सर आंखों पर? ये कुदरत का कानून है शमा, जिस तरह वक्त के साथ मौसम बदलता है उसी तरह हालात के साथ कभी कभी इंसान हुक्म चलाने वाले को भी कभी न कभी किसी के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। फिर तो वो मेरी भाभी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। मेरा मतलब है, ख्यालों में भाभी जान की तस्वीर उभरी होगी और आपने गर्दन झुका दी होगी। बोली भाईजान, मैं सच कह रही हूँ ना? बोले ना। हाँ भाई, बात तो सच है, क्योंकि शमा हमें आजकल तुम्हारी तन्हाई का बहुत ख्याल रहता है, लेकिन हमारे हाथ में तो शादी की लकीर है नहीं, क्यों ना तुम्हारी ही शादी कर दूं? भाई जान, आप बड़े वो हैं। सुनो शमा, अरे तुम तो खफा हो गई, तुम्हारी खुशी के लिए चलो हम अपने शायर का एक शेर सुनाते हैं। सुनाइए, फिर मैं भी आपको अपनी सहेली सल्तनत का एक शेर सुनाऊंगी। क्या कहा, सल्तनत शायरा भी है? अच्छा, तो आपको मेरी सहेली के शायरा होने में शक है? शक ही नहीं शमा, हमें तो पूरा यकीन है, सल्तनत जैसी शक्ल सूरत की लड़की शायरा नहीं हो सकती। देखिए भाईजान, आपका शायर अगर गालिब का उस्ताद भी हो तब भी मेरी सल्तनत की बराबरी नहीं कर सकता। शमा बराबरी की बात मत करो, हमारे शायर का सल्तनत से क्या मुकाबला? अब तो मुझे साबित करना ही पड़ेगा कि सल्तनत के मुकाबले में आपका शायर 2 कौड़ी का है। चलो हम तैयार हैं, लेकिन ये फैसला होगा कैसे? भरी महफिल में। भरी महफिल में? For exclusive classic movies, download Shimarumi app now.